हे गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो रियलमी 8 के अंदर जब से F.04 अपडेट आया तो आपने कहा पहले अपडेट रिव्यू डालो, तो मैंने अपडेट रिव्यू डाल दिया। आपने कहा चार्जिंग टेस्ट डालो, तो मैंने चार्जिंग टेस्ट अपलोड कर दिया। और चार्जिंग टेस्ट वाले वीडियो के अंदर यही कमेंट देखने को मिल रहे थे कि भाई बैटरी ड्रेन टेस्ट भी परफॉर्म कर दो। तो चलो आपका और हमने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। तो आज की इस वीडियो को ना करेंगे Realme 8 का बैटरी ड्रेन टेस्ट आफ्टर अपडेट F.04 Realme 4.0 स्टेबल वर्जन। तो देखते हैं स्टेबल वर्जन के बाद में जो बैटरी ड्रेनिंग है वो हमको Realme 8 के अंदर कैसा देखने को मिल जाएगा। तो पूरा जो कंक्लूजन है वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना। सो लेट्स बिगिन। तो बैटरी ड्रेन टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको फ़ोन की जो बेसिक डिटेल्स है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे अपडेट की डिटेल्स की। तो अपडेट जो है मैंने यहाँ पर लेटेस्ट कर लिया है जो कि है F.04 Realme 8 के लिए, और उसी के बाद में जो बैटरी ड्रेन टेस्ट है उसको हम परफॉर्म करेंगे। अगर बैटरी परसेंटेज की बात करो तो यहाँ पर आप चेक करें जो बैटरी परसेंटेज है, मैंने 99% फ़ोन को चार्ज किया है, 100% कर लिया था, पर सेटअप करते करते 1% का ड्रॉप हो गया। तो सबसे पहले जो है मैं हाफ एन आवर की BGMI गेमिंग करूँगा 40 FPS के अंदर। तो देखते हैं 40 FPS की BGMI गेमिंग हाफ एन आवर के बाद जो हमारा फोन है वो कितनी परसेंट ड्रॉप करेगा। तो चलिए आप देखते हैं टाइम लैप्स। हाँ ये कर लो पहले। तो यहाँ पर जो हमारा आधा घंटा है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चेक कर लेते हैं हमारा फोन कितना परसेंट तक डिस्चार्ज हो चुका है। तो यहाँ पर आप चेक करें मेरे फोन के अंदर फिलहाल बची है 89%, यानी कि हमको यहाँ पर 10% का बैटरी ड्रेन देखने को मिला हाफ एन आवर की BGMI गेमिंग के अंदर। तो अगर इसको कंपेयर करें Realme 3.0 से तो भाई ज़्यादा बैटरी ड्रेनिंग तो आपको देखने को मिलता है, लेकिन एज कम्पेयर टू बीट अपडेट्स आपको इतना ज़्यादा बैटरी ड्रेन देखने को नहीं मिलता। बीट अपडेट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा बैटरी ड्रेन था, बस इस अपडेट के अंदर उसको थोड़ा सा फिक्स किया है। तो आगे टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए हम जो यहाँ पर 20 मिनट तक यूट्यूब पर कोई भी वीडियो चलाकर छोड़ देंगे, और फिर बाद में जो 10 मिनट तक हम जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो करेंगे कैमरे की 1080p 30 FPS के अंदर। फिर बाद में हम जो है 10 मिनट तक एक सोशल मीडिया ऐप्स जैसे कि इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह हम यूज़ करते हैं उसको यूज़ करके देखेंगे एक एवरेज निकाल लेते हैं कि आपके ऊपर बैटरी ड्रेन मिलता है फिर नहीं मिलता। तो लेट्स बिगिन विद टाइम लैप्स। तो यहाँ पर पूरा 1 घंटा 10 मिनट कंप्लीट हो चुका है, सारा जो पूरा बैटरी ड्रेन टेस्ट है वो मैंने परफॉर्म कर लिया। यहाँ पर अगर बात करें बैटरी परसेंटेज की तो अभी आप चेक करें 80% पे जो मेरा फ़ोन है वो आ चुका है, यानी कि 1 घंटा 10 मिनट के बाद में ओवरऑल यहाँ पर हमारा जो है 19% का जो ड्रॉप है वो मेरे फ़ोन के अंदर नोटिस हुआ। बाकी जो है वेरी कर सकता है भाई फोन टू फोन, बिकॉज Realme 8 काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है, तो Realme 8 की जो बैटरी हेल्थ है वो भी कम हो सकती है। तो जितना जिसका यूजेज होगा उस हिसाब से जितनी बैटरी होगी वो आपकी ड्रेन करेगी, लेकिन एक एवरेजली कहे तो भाई जो Realme 4.0 का स्टेबल
ग्लोबल अपडेट है ना वो हमारे बीटा अपडेट से काफी बढ़िया रहता है। लेकिन यहाँ पर रियलमी 3.0 भाई स्टेबिलिटी के मामले में एकदम बेस्ट है, लेकिन भाई फिर भी जो है आपको रियलमी 4.0 स्टेबल अपडेट के बाद में बैटरी ड्रेन तो देखने को मिलता है, बट अगर बीटा अपडेट से कंपेयर करें तो भाई बहुत ही कम है। बीटा अपडेट के अंदर काफी ज्यादा बैटरी ड्रेन हमको देखने को मिलता था। तो बैटरी ड्रेन टेस्ट खत्म होता है और ओवरऑल कंक्लूजन के अंदर मैंने आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर दिया, यहाँ पर रियलमी 3.0 से अगर कंपेयर करें तो भाई बैटरी ड्रेनिंग थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन अगर बीटा अपडेट से कंपेयर करें तो भाई बैटरी ड्रेनिंग काफ़ी बढ़िया हो चुका है स्टेबल अपडेट के अंदर। तो अगर आप बीटा वर्जन का तो आपको बहुत ही जल्दी जो अपडेट है वो कर लेना चाहिए, बिकॉज आपका जो बैटरी ड्रेनिंग है वो हल्का सा फिक्स हो जाएगा। और काफ़ी सारे लोग मुझे एक क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई अपडेट हमको F.04 अभी तक नहीं मिला है, तो जिन्होंने रियलमी 3.0 पर अभी हो या फिर C.17 या फिर C.18 हो तो उनको एक वीक के अंदर अंदर जो अपडेट है वो मिल जाएगा, जितने बीटा यूजर्स से उन सभी यूजर्स को अपडेट जो ऑलरेडी मिल चुका है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना रखेंगे, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको इस तरह की वीडियो फ्यूचर में चाहिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।